नमस्कार। रायपुर दूरदर्शन के द्वारा आयोजित इस हास्य कवि सम्मेलन में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं हो जाती है। जब मैं शादी के करीब था, शादी होने जा रही थी, उस समय क्या हुआ, मैंने अपनी फोटो जो है अखबार वाले को दिया कि भाई इसको जो है छाप देना। अब उसने बंदे ने क्या किया, पेपर में छापा तो लेकिन उठा के निधन कालम में डाल दिया। अब बड़े बड़े अक्षरों में नीचे लिख दिया, धल्ले आवे नानका सद्दे उठ जाए। मैंने अखबार वाले को फोन किया, भैया मैंने तो शादी के लिए दिया था और आपने निधन कालम में डाल दिया। वो भी हो गया भाई, उसको लगा कि गलती हो गई। उसने कहा कि माफ कर दो त्रिपाठी जी, गलती हो गई, लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही होता है। अरे क्या बात है, चाहे शादी हो चाहे शोक संदेश हो। तो आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कवियों का आपसे परिचय करा दूं। मेरे सबसे दाई तरफ में बैठे हुए हैं भाई कौशल साहू लक्ष्य, जो कि कवर्धा से हमारे बीच में आए हैं। उसके बाद मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं दाई तरफ श्री रामानंद त्रिपाठी जी। उसके बाद मेरे ठीक बाई तरफ में पत्नी पीड़ित संघ के अध्यक्ष राजेश जैन राही जी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कुछ भी इनसे बोलोगे, कुछ भी बात करो आप, उसमें पत्नी पीड़ित वाली बात आ ही जाती है। और उनके बगल में बैठे हुए हैं राजनांदगांव से पधारे हुए भाई तारिक साहिल जी। साहिल का मतलब होता है किनारा। भरी जिंदगी में एक किनारा लगने की सोच रहे हैं, इनको तो मझधार में होना चाहिए। चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। कौशल साहू लक्ष्य जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। देश के मुर्दों को जिंदा करने में दक्ष हूँ। अच्छा। मैं छत्तीसगढ़ का प्यारा कौशल साहू लक्ष्य। वाह वाह, क्या बात है। एक पेरोडी से अपनी शुरुआत करता हूँ। तारा राज के कमर, मारा राज के कमर, दोनों के राज के कमर मा मजा आ गई। हिलमेट दोनों झन लगाए नहीं, भैंसा झपाई भैंसा झपाई काटे जी पेड़, बहु काटे जी पेड़, पानी नहीं गिरी मजा गई, पानी मजा गई। वह पी दारू, यह पी दारू, बीमारी बलाई मजा गई, बीमारी बलाई मजा आ गई। तहु फेंके कचरा, महु फेंके कचरा, यमराज बलाई मजा आ गई, यमराज बलाई मजा आ गई। तोरो राज के कमर, मोरो राज के कमर, दोनों के राज के कमर मामा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमर कोला बारी, कोला बारी, कोला बारी, कोला बारी, कोला बारी, कोला बारी जी। ये मलगा थन कुंदरु करेला, यरम पपाई, जेला टोर थे डोकरी दाई, चिरपोटी पताल के बलिहारी जाओ जी। हमर कोला बारी जी, हमर कोला बारी जी, बहुत बढ़िया। यहाँ है जी रंग रंग भाजी, जेला टोर थे भैया भौजी, हकन के जब दोनों कमा थे, टेढ़ा ला टेढ़े थे वो श्री पारी जी। चलिए अगले कवि को आपके सामने मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, भाई रामानंद त्रिपाठी जी, जो कि बेमेतरा से हमारे बीच में आए हैं। आइए स्वागत करें भाई रामानंद त्रिपाठी। सबले पहली मैं आप ला मंत्र मारा था, वह काबर मंत्र मारा था, वो आप मन स्वयं जान जल दू। जय हो माता भद्रकाली, वाह, जय हो माता भद्रकाली, कोई कवि जाए न खाली। अच्छा। और जो कोई ये मन बजाए ताली, ओला पीटे ओखर घर वाले। वाह वाह वाह, भाई जय प्रकाश त्रिपाठी जी, जी, जी। कविता पढ़े बर उठाइस, भगवान ओहुल उठा ला। वाह। मैं हंसे के बात नहीं है, मैं कविता पढ़े बर उठाए बर बोले हूँ, उती बर उठाए बर नहीं बोले हूँ, ओखर बारे में कुछ बोल नहीं सका। आज हमार कवि सम्मेलन के वो डेरा प्रमुख है,
अच्छा डेरा प्रमुख तरह तरह के वैरायटी के कवि इमेर आए है, उन्होंने लाए है, उन्होंने बुलाए है, मोल डायरेक्ट टपका है। मोला फोन करेगी कि आप लग कवि सम्मेलन करे बर दूरदर्शन में पहुंचना है, मैं तुरंत हाँ कर दे। काबर मैं आदमी के भरोसा नहीं फोन के ज्यादा करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह बहुत, फोन आपका भरोसा के लायक है। अगर कहीं आदमी कोनो जगह जाना है और पूछते कहाँ हास, ए दे पहुंचने वाला हूँ कि थे भले घर लेने निकले रहे, आपका भरोसा लायक रही थे। वाह वाह, एक बार हुई फोन और इंटरनेट ही भरोसा के लायक है। एक बार का हुई, एक लड़का है इंटरनेट चलावत रहा है, दादा उमेर बाजू में बैठे रहा है, बोलते का कर था, इंटरनेट चलावा था, इंटरनेट में का करत था, मोर दादा कौन है तो उनका पता लगावा था। वाह क्या बात, वही तोर दादा हो रे, नहीं मैं इंटरनेट से पता लगावा था, वही तोर दादा हो रे, तय ज्यादा जिद कर था तो मान लेता, मान ले, लेकिन तब होले एक बार कन्फर्म कर ले। आदमी भरोसा कम, इंटरनेट और मोबाइल के भरोसा ज्यादा ज्यादा। वाह एक जन औरत अपन को से यल पिटत रहा, मैं मर पहुंच गया, का कर था मैं पीट लेता हूँ तब बताऊ, और का कर था तो मैं अपन को से यल फोन लगाए, एक जन औरत की आवाज आई और वहां बोलत रहा है, जिस व्यक्ति को आपने फोन किया है वो भी बिजी है, वो खास स्थिति मैं पीटा था। बढ़िया बढ़िया, शुरू में कहा है इंटरनेट मोबाइल मोबाइल के जमाना नहीं रही से, एसटीडी पीसीओ जगह जगह खुले रहा है, मैं अचानक देखे एक ठन एसटीडी पीसीओ के सामने में लिखा रहा है यहाँ मोबाइल से शादी किया जाता है, महू हड़बड़ा गए। आजकल सारे शादी ब्याह करते भाग भुगा घलक कर लेते, ये मोबाइल से शादी कैसे करे जाते। मैं अंदर पहुंच गए, जाए के बाद मैं पूछे ले तो बता तो मोबाइल से शादी कैसे करे जाते, तो कि थे ए मेरा मैं बतावा था, मैं बैठ गया, तो बोलते अगर कहीं मंगनी है तो एक दबाबे, वाह सगई है तो दो दबाबे, और शादी है तो तीन दबाबे, मैं कहे दूसर बिहाव करना है काला दबाए लगी, दूसर बिहाव करना है काला दबाए लगी, वो कहते पहली पत्नी गलल दबा दे, ऐसे तरह तरह के बात हो जाते। वाह वाह, मैं अपन परिचय देना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, पूजा पाठ घलक करवा लेता हूँ, बर बिहाव घलक करवा लेता हूँ, मरनी हनी घलक मैं मंत्र ल जानता हूँ, लेकिन कौन सा मंत्र ल कहाँ पढ़ना है तेने भले नहीं जाना, बाकी सब चीज जानता हूँ। एक जन मोर बाई है वह मोर खुद की है पर्सनल है, तीन जन मोर लड़का है वह मोर खुद की है वह पर्सनल है। वाह वाह, अब मैं सीधा सीधा आपसे कविता से जुड़ना चाहता हूँ। एक बार होत रहे कवि सम्मेलन, बड़े बड़े कवि मन आ रहा है, एक बार होत रहे कवि सम्मेलन, बड़े बड़े कवि मन आ रहा है, बड़े जनिक स्टेज है बने रहा है, लाइट है जुगुर जुगुर जलत रहा है, और टीवी वाला अपन कैमरा लेके ती 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 घूमत रहा है। एक बार होत रहे कवि सम्मेलन, बड़े बड़े कवि मन आ रहा है, बड़े जनिक स्टेज है बने रहा है, लाइट है जुगुर जुगुर जलत रहा है, और टीवी वाला अपन कैमरा लेके ती 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 घूमत रहा है, और बिना मनखे के सुनैया मन के सो रहा है। वाह, बिना मनखे के सुनैया मन के सो रहा है, सन्नाटा है चारों ओर रहा है। अब चार घंटल कवि मन सुनैया देखिन, चार घंटल कवि मन सुनैया देखिन, उमन का गोठिये वो आयोजक ले बुलाइन, वो आयोजक ले बुलाइन, कविता सुनाए बर अपन आघूम बैठेन, अब 25 जन कवि मन के कविता के झेल, वो आयोजक के दिमाग हो गए फेल, 25 जन कवि मन के कविता के झेल, वो आयोजक के दिमाग हो गए फेल, रात भर कवि मन अपन कविता लोल सुने, और बड़े बेहनत सरकारी अस्पताल में भर्ती करा कर, तब से वो आयोजक बना मोर घुसड़ गए, उही समय कवि रामानंद त्रिपाठी मोर नाम पड़ गए। वाह वाह वाह, एक बार मोर बाई की थे, तय मोर से कतका प्यार करता जी बता तो, मैं कहे मैं तोर से अतका प्यार करता हूँ, अतका प्यार करता हूँ कि तोर जैसे वो कोई दूसरा लेके आ सकता हूँ, आपका प्यार करता हूँ। एक बार फिर बोलत रही से, तय मोल बहुत प्यार करत रहे, अब का हो गए, पहली तय बोलत रहे प्यार करत रहे, तू कहे
तू कहे तो आसमां को धरती पे लेके आऊंगा, तू कहे चांद और तारे भी तोड़ के लाऊंगा, और तेरी ही ख्यालों में छत से छलांग लगा लूंगा, अब कहाँ होगे बता। तो मैं कहे पगली बात हुई है, लेकिन समय के अनुसार से भाव बदल गए। चांद और तारे मैं कहाँ से तोड़ के लाऊंगा, आसमां को धरती पे नहीं लेके आ पाऊंगा, और ज्यादा जिद्द करेगी इसी छत से छलांग लगा। शादी के पहले मैं बहुत ही इतराता था, अच्छा शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। शादी के पहले मैं बहुत इतराता था, कुंवारेपन में भी बड़ा मजा आता था। मेरे घर वाले बोले तू लुगाई ला ले, मेरे घर वाले बोले तू लुगाई ला ले, एक कत ऊपर का खर्चा है, यूं ही निपट जाएगा, लेकिन तेरा घर स्वर्ग सा संवर जाएगा। जब से उसके चक्कर में आकर के मैं लुगाई ले घर आया, मूलधन के साथ ब्याज मुफ्त में पाया। जब से उसके चक्कर में मैं लुगाई ले घर आया, मूलधन के साथ ब्याज में मुफ्त में पाया, अब दार रोटी के चक्कर में तंगे हो गया हूँ। दार रोटी के चक्कर में अब तंगे हो गया हूँ, अच्छा खासा मेरा भी बाल हुआ करता था गंजे हो गया। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। गंजे पत्नी जोर से झल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में कयामत लाती है। पत्नी जोर से झल्लाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में कयामत लाती है, और कहती है थैंक यू, ऐसी ही रोज सुबह 10 बजे मुझे जगाया करो, गरम गरम चाय बना करके पिलाया करो, तभी तुम्हारे मैं सातों जन्म के लिए हो पाऊंगी, नहीं तो अगले जन्म में सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। क्या रोज सुबह 10 बजे मुझे जगाया करो, गरम गरम चाय बना करके पिलाया करो, तभी तो मैं तुम्हारे सातों जन्म के लिए हो पाऊंगी, नहीं तो अगले जन्म में सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिमाग गोल हो गया, शादी के पहले मैं अनमोल हुआ करता था बेमोल हो गया, बेमोल हो गया, अनमोल हुआ, बेमोल हो गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अब अगले कवि को आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूं, भाई तारिक साहिल जो कि राजनांदगांव से हमारे बीच में आए हैं, वे आए और काव्य पाठ करें। मंचस्थ सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं, सामने बैठे बौद्धिक श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये इतना बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक बहुत बड़ा कवि हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा सिर्फ मैं मानता हूँ, ये बात और है कि मेरी घरवाली भी इस बात को नहीं मानती। घरवाली किसी की नहीं मानती भैया। नहीं मानती है, बिल्कुल आपने सही कहा। घर घर के बीच में कैसा माहौल होता है, मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि घर पे मेरी चलती है। अच्छा, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। बधाई आपके घर में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, मेरे घर में वही होता है मैं जो चाहता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जो चाहता हूँ वो घर तय घरवाली करती है, मतलब उसका डिपार्टमेंट जो है वो बराबर से वो निभा रही है। अभी पिछले 3 दिन पहले की मैं बात आपको बता दूं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उसने बेलन बर्तन सब निकाल लिए, कभी मैं मुस्कुराता था कभी वो मुस्कुराती थी, बेलन लग गया तो वो मुस्कुराती थी, बज गया तो मैं मुस्कुराता था, ये क्रम चल रहा था। थोड़ी देर तक ये क्रम चला, उसके बाद में फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया और मेरे पास घुटने के बल चलते हुए आई। मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे पास वो घुटने के बल चलते हुए आई और नीचे झुककर बोला पति महोदय अब तो बाहर आ जाइए, पलंग के नीचे से अब मैं और नहीं मारूंगी। अरे वाह, कि वो जाती है ब्यूटी पार्लर ये सोचकर, वो जाती है ब्यूटी पार्लर ये सोचकर कि चाहती है जन्नते हूर हो जाना। वो जाती है ब्यूटी पार्लर ये सोचकर कि चाहती है जन्नते हूर हो जाना, लेकिन ये मुमकिन नहीं इस जहां में कि किशमिश का फिर से अंगूर हो पाए। किशमिश का फिर से अंगूर हो पाए, बहुत बढ़िया। चलिए हास्य व्यंग्य का माहौल है, हंसी खुशी मैं आप लोगों से अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो उम्र और हाइट से बोले तो मैं बहुत छोटा कवि हूं, पर मैं आप लोगों के सामने अपनी एक अनुभव की रचना रख रहा हूं कि अनुभव इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखलाता है, अनुभव इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखलाता है। ये और बात है कि जीवन में अनुभव शादी के बहुत आता है। जब गौसी कन्या, क्या बात है, जब गौसी कन्या शेरनी हो जाती है और ये शादीशुदा इंसान उसके आगे पीछे दुम हिलाता है। जब ये गौसी कन्या शेरनी हो जाती है और ये शादीशुदा इंसान उसके आगे पीछे दुम हिलाता है, कहने को तो आपस में ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन उनके इस प्यार में
लेकिन उनके इस प्यार में वो अनुभव सी गहराई नजर नहीं आती है। जब वह इस स्टीरियोफोनिक साउंड को सुन सुनकर थक जाता है, यूं कहे कि पिल पिले आम की तरह पक जाता है, तब वह अपने जीवन में अनुभवी इंसान कहलाता है। मैं यहाँ पे युवा पीढ़ी बैठी हुई है, उनको मैं अपनी बात समर्पित करना चाहूँगा कि यूं तो युवाओं को भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होते होंगे। यूं तो युवाओं को भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होते होंगे जब वह रात में छत पर तारे गिन गिन कर सोते होंगे। जब वह रात में छत पर तारे गिन गिन कर सोते होंगे, लेकिन शादीशुदा को तो दिन में भी तारे नजर आते हैं। लेकिन शादीशुदा को तो दिन में ही तारे नजर आते हैं। और आप मजधार की बात कर रहे थे, सुनिएगा त्रिपाठी जी, कि शादीशुदा को तो दिन में ही तारे नजर आते हैं, 20 समंदर में किनारे नजर आते हैं। और मैं यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उनको भी मैं कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगा, ये अंतिम पंक्तियों की दौर में हूँ, कि हमारे बुजुर्गों ने तो आजादी का स्वाद भी नहीं चखा, हमारे बुजुर्गों ने तो आजादी का स्वाद भी नहीं चखा, इधर देश आजाद हुआ उधर शादी हो गई चचा, इधर देश आजाद हुआ उधर शादी हो गई चचा, लेकिन अनुभव के मामले में वे आज भी हमसे ज्यादा है, लेकिन अनुभव के मामले में वे आज भी हमसे ज्यादा है। सच कहूं तो 90 के दशक तक अपनी अर्धांगनी का साथ निभाने का वादा है, और हमें देखिए, हम तो 45 में ही ढेर हो गए। सच कहें तो चिड़ियाघर के शेर हो गए, हम तो 45 में ही ढेर हो गए, सच कहें तो चिड़ियाघर के शेर हो गए। और अंतिम पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि सच कहें तो चिड़ियाघर के शेर हो गए, यूं तो हमें भी अनुभव है साहिल, यूं तो हमें भी अनुभव है साहिल, क्योंकि हम भी एक शादीशुदा इंसान है। और ये परम सत्य है कि हर कुंवारा व्यक्ति शादीशुदा की पहली पहचान है। वाह 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 वाह, ये थे भाई तारिक साहिल जी, जिन्होंने पूरी पीढ़ी को, सभी तीनों पीढ़ी को लेकर के कविताएं सुनाई। हम उन्हें बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। चलिए अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं, भाई राजेश जैन राही जी। दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को कवि राजेश जैन राही का भाव भरा नमस्कार, स्वागत है भाई। एक क्षण से बात प्रारंभ करता हूँ कि बिना कोई बात कहे शेर कोई खास कहे कभी किसी शायर को ताली नहीं मिलती, वाह 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 वाह। और मिलने को मिलती है घर वाली सब को ही, मिलने को मिलती है घर वाली सब को ही, फूटा हो नसीबा उसे ताली नहीं मिलती। वाह वाह, और रंग भरी दुनिया के रंग है निराले सभी, तेरे होठों वाली वही लाली नहीं मिलती। क्या बात है, जिसने उस लाली का स्वाद चखा हो। वाह, कि तेरे होठों वाली वही लाली नहीं मिलती। और चमचों की भीड़ से भरा हुआ है देश मेरा, भूखे को जो रोटी दे वो थाली नहीं मिलती। क्या बात है, बहुत बड़े संघ का अध्यक्ष बता रहे हैं बार बार। हास्य कवि किसे कहते हैं, जिस कवि के ऊपर में अपनी घरवाली की कृपा हो। वाह, कृपा शब्द से मेरा मतलब खुश होने की बात नहीं है, कृपा शब्द से मेरा मतलब यहाँ पर दबाव से है, भय से है, आतंक से है। जो कवि अपनी पत्नी से पीड़ित रहता है, भयभीत रहता है, उसके दबाव में रहता है, और अपनी व्यथा को अपनी कविता में पिरोकर लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है, कवि सम्मेलन के मंचों पर हास्य की उत्पत्ति करता है, उसे कवि सम्मेलन में हास्य का कवि कहा जाता है। क्या बात। और जिस कवि के ऊपर अपनी प्रेमिका की कृपा होती है, कृपा शब्द से मेरा मतलब यहाँ पर वियोग से है। जो कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में गमगीन रहता, खोया खोया रहता, बेचैन रहता है, अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना वियोग अपने गीतों में, अपने मुक्तक में पिरोकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है, उसे श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है। वाँ, और राजेश जैन राही के ऊपर, राजेश जैन राही के ऊपर दोनों की कृपा है। अरे वाह, क्या बात है। पत्नी पीढ़ी संघ का तो अध्यक्ष ही बना दिया है। और भैया, मेरा घर यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। आजकल मोबाइल का जमाना, व्हाट्सएप का जमाना है, आपने बात रिकॉर्ड की और घर भेज दी, मेरा फोकट में कवि सम्मेलन हो जाएगा। क्या बात। एक और हास्य का छंद रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पड़ा जब एक बार दोस्तों बीमार मैं तो प्रीत मेरी पत्नी को सार लगने लगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कि प्रीत मेरी पत्नी को सार लगने लगी, कहने लगी कि बाई आती नहीं काम पर, भीड़ बर्तनों की अब भार लगने लगी। लगने लगी।
कहने लगी है पति जाना मुझे सर पर आपके बिना बेकार कार लगने लगी और कहने लगी है पति जाना मुझे मायके भी कहने लगी है पति जाना मुझे मायके भी उठी ये बीमारी निराधार लगने लगी। क्या बात है, किसी चीज की कमी होती है तभी उसका महत्व पता लगता है। कि मैंने देखा साथ तेरा अब वियोग भी दिखलाओ, मैंने देखा साथ तेरा अब वियोग भी दिखलाओ प्रिय कुछ दिनों के लिए मायके हो प्रिय कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ, कई सालों से यहीं पड़ी हो महंगाई सी अड़ी हुई हो कई सालों से। देखिए भैया ये कविता अगर आपको सुनानी है तो मुझे बुला लीजिएगा, आप मत सुना दीजिएगा। कई सालों से यहीं पड़ी हो महंगाई सी अड़ी हुई हो, मेरे शांत जीवन में आतंकी सी घुसी हुई हो, मेरे शांत जीवन में आतंकी सी घुसी हुई हो और नई हर वालों की खातिर हो बेशक पराया धन तुम, कुछ दिन उनके भी काम आ जाओ, जाओ जाकर कुछ दिन उनके भी काम आ जाओ, माँ से लाओ कई साड़ियां मेरे लिए भी सूट सिलवाओ, और पापा की हो तुम बेहद लाडली माल ढेर सारा उनसे भी झटक लाओ, जाओ जाकर भौजाई पर रौब दिखाओ मुझ गरीब को और नहीं तुम अब सताओ, मैंने देखा साथ तेरा अब योग भी दिखलाओ प्रिय कुछ दिनों के लिए मायके हो तेरा घर यथावत रहेगा मैं कुछ भी इधर उधर नहीं करूंगा, तेरे निर्धारित नियमों का पालन हरदम किया करूंगा। और भी हैं अगर हिदायतें कागज पर लिख कर दे जाओ, और भी हैं अगर हिदायतें कागज पर लिख कर दे जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ नई नई तारीखें देकर, नई नई तारीखें देकर, नई नई तारीखें देकर तुम केस को मत उलझाओ, नई नई तारीखें देकर तुम केस को मत उलझाओ, और टिकट नहीं मिलती रेल की, टिकट नहीं मिलती रेल की जाओ जहाज में उड़ जाओ, जाओ मैंने देखा साथ तेरा अब वियोग भी दिखलाओ प्रिय कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ। इस कवि सम्मेलन में हमारे जो डेरा प्रमुख हैं आदरणीय जयप्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री जयप्रकाश जी त्रिपाठी, जहाँ से राही जी ने छोड़ा था वहीं से मैं चालू करता हूँ कि राही जी जो है ये बहुत भक्ति वाले हैं, भगवान की पूजा करते हैं और डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं। एक दिन पूजा कर रहे थे तो भगवान सामने आ गए, इन्होंने कहा कि हे प्रभु, कि हे प्रभु मेरी पड़ोसन को कैटरीना कैफ सा क्यूट कर दो, कि हे प्रभु मेरी पड़ोसन को कैटरीना कैफ सा क्यूट कर दो। भगवान बोले और कुछ मांग, ये बोले मेरी पत्नी को 3-4 दिन के लिए म्यूट कर दो। ये तो हमारे राही जी है। अच्छा जो ऑफिस काम का होता है, लेकिन दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि जो हास्य व्यंग जब दोनों चलता है तो दोनों साथ साथ जब चलने लगता है तब उसकी महिमा, तब उसकी गरिमा अलग होती है। कि रही जिंदगी मिल बैठेंगे मजमा कोई लगाएंगे, रही जिंदगी मिल बैठेंगे मजमा कोई लगाएंगे, मत उदास हो ऐ मन मेरे जल्दी फिर मिल जाएंगे, जल्दी फिर मिल जाएंगे। क्या बात है भाई, धन्यवाद।